देश आज मना रहा है 25वां कारगिल विजय दिवस। पीएम मोदी द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शंकुला के निर्माण के लिए पहला विस्फोट कर करेंगे शिलान्यास। खालिस्तानी समर्थक सांसद अमृतपाल पर चन्नी के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस। जयराम ने बयान को बताया निजी हमलावर, बीजेपी बोली राहुल गांधी के इशारे पर संसद में देश विरोधियों का समर्थन। यूपी में चल रही सियासी अटकलों के बीच सीएम योगी 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर। नीति आयोग की बैठक के बाद देर शाम जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात। पीएम मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात की उम्मीद। मानहानि मामले में राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराएंगे नेता प्रतिपक्ष। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। बाढ़ और भारी बारिश से महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात बिगड़े। ठाणे, पुणे, पालघर और मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट। ठाणे में स्कूल कॉलेज बंद। पुणे में मदद के लिए उतारी गई सेना। आज से पेरिस ओलंपिक की औपचारिक शुरुआत। रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ शुभारंभ। भारत के 117 एथलीट्स अलग अलग खेलों में मेडल के लिए लगाएंगे पूरा जोर।